बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, उम्मीद करता हूँ देखने वाले तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैर खरिया से मज़े से होंगे। डियर फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए मैं स्पेशल लेके आया हूँ। इसमें आप लोगों को मैं तीन तरीके बताऊँगा मोबाइल के, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप एक एंड्रॉयड या कोई भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपने जो है ना इस सेटिंग को ज़रूर करना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो डियर फ्रेंड, इसमें आप लोगों को मैं तीन सेटिंग बताऊँगा। पहले नंबर पर आप लोगों को मैं ये बताऊँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मोबाइल की जो बैटरी है उसका लाइफ टाइम कम है, आप ये समझ रहे हैं कि मेरा जो मोबाइल है उसके बैटरी जो टाइम है वो बहुत कम है, तो इसमें आप लोगों को मैं एक सेटिंग बताऊंगा। सेटिंग करने के बाद 100% आपकी जो मोबाइल की बैटरी है वो सही वर्क करेगी, उसका जो टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आप कहते हैं कि जो है ना मेरा मोबाइल गर्म हो रहा है, तो आप यही समझते हैं कि आपका मोबाइल में मसला है या आपके मोबाइल की बैटरी में मसला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ यही सेटिंग करनी है, सेटिंग करने के बाद आपका जो मोबाइल है वो गर्म नहीं होगा। तीसरे नंबर पे डेयर फ्रेंड, आप ये कह रहे होते हैं कि मेरा जो मोबाइल है यानी वो हैंग होता है, लाजमी सी बात है अगर यानी कि आपका मोबाइल लगातार यूज़ हो रहा है, आपका मोबाइल की बैटरी जो है ना वो कम हो रही है, आपका मोबाइल गर्म हो रहा है, तो इसकी वजह से आपका मोबाइल हैंग होगा, यानी कि अगर आपके मोबाइल की स्टोरेज फुल हो रही है तो आपका मोबाइल हैंग होगा। तो एक सेटिंग आप लोग मैं बताऊँगा इंशाल्लाह, उसके बाद आपका जो मोबाइल है वो हैंग नहीं होगा। तो डेयर फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि जो भी नई वीडियो मैं शेयर करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो डेयर फ्रेंड, यहाँ पे आप लोगों से एक छोटी सी एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ हासिल होता है यानी कि इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, तो आपने वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। डेयर फ्रेंड, अगर आपको इससे कुछ भी नहीं हासिल होता तो आपने कुछ भी नहीं करना। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो डेयर फ्रेंड, सबसे पहले जो है ना मैं इस ऐप्स को ओपन करूंगा। इस ऐप्स को ओपन करने के बाद डेयर फ्रेंड, यहाँ पे आप लोगों को मैं सेटिंग समझाऊंगा। सबसे पहले जो है ना आप लोगों को मैं इसकी सेटिंग समझाऊंगा, उसके बाद वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसको डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है। तो डेयर फ्रेंड, सबसे पहले जो है ना इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद डेयर फ्रेंड, यहाँ पर गेट स्टार्टेड है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूँगा। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन है। तो डेयर फ्रेंड, पहले नंबर वाला ऑप्शन है क्लोज ऑल रनिंग ऐप। डेयर फ्रेंड, इसका मतलब यही है कि जब भी हम फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, मैसेजेस पे जाते हैं, यानी इजी पैसा ऐप्स पे जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, तो हम इसको बैक कर देते हैं। हम यही समझते हैं कि हमारा जो इजी पैसा ऐप्स है वो बैक हो गया। हम फेसबुक यूज़ करते हैं, डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तो हम फेसबुक को बैक कर देते हैं, तो हम यही समझ रहे होते हैं कि हमारा जो फेसबुक है वो ख़त्म हो गया, यानी कि अभी यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन आप लोग गलत फहमी में है, जब भी आप अपने फेसबुक को दूर करेंगे तो तब भी आपका जो फेसबुक है वो आपके मोबाइल में ये आपके मोबाइल के रनिंग हालत में, यानी कि वो यूज़ हो रहा है। उससे क्या होगा, पहले नंबर पे उससे ये होगा कि आपकी जो मोबाइल की बैटरी है वो कम होगी। लाजमी से बात है, अगर फेसबुक यूज़ हो रहा है, उसमें फेसबुक का ऑप्शन, फेसबुक का ऐप जो है ना बैक एंड पे ऑन है, तो आपकी जो मोबाइल की बैटरी है वो कम होगी। वो आप लोगों ने कहाँ से हटाना है वो भी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। पहले नंबर पर ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर आपका जो मोबाइल है वो यूज़ हो रहा है, यानी कि आपका मोबाइल अगर लगातार यूज़र, आपने जो ये फेसबुक का जो ऐप्स है वो हटा दिया लेकिन बैकएंड पे चल रहा है, इसका मतलब यही है कि आपका मोबाइल लगातार यूज़ हो रहा है। इससे क्या होगा, इससे आपका मोबाइल गर्म होगा, और दूसरे नंबर पे कि आपका मोबाइल हैंग होगा। तीनों तरीक़ाकार आप लोगों के इस वजह से साल होंगे इस सेटिंग करने के बाद। आपने सबसे पहले वाला ऑप्शन है क्लोज ऑल रनिंग ऐप, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एड्स आ गया, आपने एड्स को हटा देना है। जैसे आप एड्स को हटा देंगे डेयर फ्रेंड, यहाँ पर मैंने जो है ना स्क्रीन रिकॉर्डर जिस पे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ये लगाया हुआ है। अगर आप लोगों ने इसको कहाँ से हटाना है, आप लोगों ने ये जो रेड कलर का ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो स्क्रीन रिकॉर्डर है जो चल रहा है तो डेयर फ्रेंड ये हट जाएगा। अभी मैं इसको यहाँ पर क्लिक नहीं करूँगा, क्योंकि अगर यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया तो जो वीडियो मेरी रिकॉर्ड हो रही है, आप लोगों को जो मैं समझा रहा हूँ, वो वीडियो जो है ना डिलीट हो जाएगी, वीडियो आप हो जाएगी। डेयर फ्रेंड, आप लेकर बैक चले जाना है, याद रखना क्लोज ऑल रनिंग ऐप के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एड्स आ जाएगा, एड्स को आपने क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद ये वाला जो ऑप्शन रेड कलर का आपने इसके ऊपर क्लिक करें करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे जो भी यानी कि आपके जो जितने भी ऐप्स ओपन हुए हैं वो सारे यहाँ से चले जाएंगे। जब भी आप अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद लाजमी से आपने इस ऐप्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने क्लोज ऑल रनिंग ऐप पर आना है। इस पर आके आपने इस वाले ऑप्शन पर, ये जो ऑप्शन है डेयर फ्रेंड आपको मैं समझाता हूँ, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी वो ऐप्स रनिंग
रनिंग हालत में होंगे वो हट जाएंगे, इससे आपके मोबाइल की बैटरी सेव होगी, इससे आपका मोबाइल हैंग नहीं होगा, और तीसरा ये कि आपका जो मोबाइल है उसका लाइफ टाइम ज़्यादा होगा। तो डेयर फ्रेंड ये आप लोगों ने कहाँ से डाउनलोड करना है अगर आपको लोगों की इसकी समझ नहीं आती, तो डेयर फ्रेंड ये जो है ना मैं आप लोगों को इसका जो लिंक है ऐप्स का लिंक है वो वीडियो के, अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप फेसबुक पेज पर दे रहे हैं तो वीडियो को स्टार्ट में या फर्स्ट कमेंट्स में इसका लिंक दे दूँगा। तो डेयर फ्रेंड सबसे पहले इसका मैं तरीका आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों ने इसको प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करना है। तो आपने प्ले स्टोर पर चले जाना है, प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने यहाँ पर लिखने ऐप किलर एंड मैनेजर, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे पहले नंबर पे ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे डेयर फ्रेंड ये वाला जो ऑप्शन है, आपने यहाँ पे इंस्टॉल वाला ऑप्शन होगा, आपने इंस्टॉल पर क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया यहाँ पे इसलिए ओपन आ रहा है, तो आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने जो है ना इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपने सेटिंग में जाके ऐप कलर एंड मैनेजर की जो नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन है आपने इसको ऑन करने के बाद वही ऑप्शन आप लोगों के पास आ जाएगा, उसी से आपने सारा काम चलाना है। डेयर फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए।